ये जो सामने वाला बिल्डिंग है ना, ये जीबी रोड है पूरा। ये सामने जो मेन रोड आ रहा है जीबी रोड है, जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ नहीं है। कभी चल ही रहा है खाना। मुझे तो ऐसे ही लगा वो फेक पुलिस वाले थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? फिर से वही एक नई सुबह, फिर से नई सुबह। और आज थोड़ा सा चेंज हो गया, अद्विक और निधि दोनों को छोड़ने तो जा रहा हूँ, लेकिन वो दोनों आगे निकल गए और मैं गाड़ी में हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। उन लोगों ने मुझे लेट उठाया तो मैं लेट हो गया हूँ। जब तक अद्विक को निधि छोड़ रही है बस स्टैंड तक, तब तक मैं पहुंच रहा हूँ निधि को लेने के लिए। तो जल्दी से अब चलते हैं, कहीं टाइम नहीं है अपने पास। चलो चलते हैं। अभी निधि अद्विक को स्कूल बस में बैठा रही है तो, और मैं वेट कर रहा हूँ कि निधि आ जाए तो फिर उसे लेके चलूँ। ऑलमोस्ट 7:05 हो गया है, मतलब इतने जल्दबाजी में रहती है ना। एक तो इसका बेटा वो भी बहुत आलसी, आराम से मतलब उठा देती है वो, आराम से टाइम जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो तैयार नहीं होता। चल चुके हम लोग, हमारे पास अभी 20 मिनट है एग्जैक्टली, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक ना हो। बीच में ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, हल्का ट्रैफिक तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह भी इतना ट्रैफिक होता है। अब ठीक है, इतना निकल जाता, लेकिन यहाँ आनंद विहार के पास तो इतना ट्रैफिक होता ही होता है, बस ज़्यादा ना हो लंबा। बस अब रुक गया ट्रैफिक। आनंद विहार के पास हमेशा बसर मची पड़ी रहती है, कुछ कोई ये नहीं, कितना भी कुछ कर लो यहाँ पे, मतलब कोई रेड लाइट नहीं है फिर भी ये हाल है। क्योंकि यहाँ की जो बस वाले हैं ना, जो बस है ना, बस ऐसे लगाते, दिखाता हूँ अभी कैसे बीच में रोड खड़ी कर देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला उनको कुछ नहीं कहता, बस हम लोग अगर बीच में खड़ी कर दें तो तुरंत में हंगामा, चालान कटने शुरू हो जाएंगे। अभी दिखाता हूँ, देखो कैसे लगे पड़े हैं बस चारों तरफ से। बस एंड ऑटो यहाँ पे भरे रहते हैं। ठीक है तो भाई बस से चलाया तो बस स्टैंड में ले जाओ ना, साइड ले जाओ, बीच रोड पे आप लगा दोगे गाड़ी चलेगी नहीं, आराम से। कैसे बस रोक के खड़ा है बीच रोड पे, आगे भले खा लिए। तो से अभी जल्दी से निधि को छोड़ते हैं। और आज तो डे प्लान कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं था। सोच रहा था एनिमल मूवी जाने की, इतनी उसकी मतलब इतनी अच्छी अच्छी क्लिप देख ली है ना और इतने फीडबैक सुन लिए हैं, अब जाने का मन कर रहा है मूवी, लेकिन इसकी छुट्टी नहीं है तो सैटरडे नाइट से या संडे को फिर से पहले जा ही नहीं सकते हैं। है रे, चले जाओ मूवी, चले जाओ, अकेले जाना, तुम नहीं देखोगे? तुम्हारा क्या है, मेरे बगैर और मूवीज नहीं देखी? वो तो देखता ही हूँ, घर में देखता हूँ तो देखती नहीं ना, यही तो दिक्कत है। तुझे अपनी नींद भी आ रही है? मैं तो क्या करूँ, मुझे तो आगे भी काम देखना है ना। हाँ, मुझे अपनी नींद प्यारी नहीं है, मुझे अपना काम और मूवी प्यारी है। मैं तो रात में चार अगर मेरे पास टाइम होता है ना, अगर गलती से भी कोई मूवी या सीरीज पकड़ लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं टाइम नहीं देखता, जैसे एडिटिंग करते वक्त बस फिर उसको खत्म कर देता हूँ, चाहे सुबह के 6 क्यों ना बज जाए, खत्म करके ही सोता हूँ। लाइफ में सोना तो है ही यार, सब कुछ लाइफ करना तो चाहिए कुछ ना कुछ तो। अब जैसे एडिटिंग करना है तो करना है, रात को कितने ही बज जाए, मूवी देखना है तो देखना है, रात को कितने ही बज जाए। अब उसके सस्पेंस के लिए कल तक का वेट करना। काम हो तो सोते हैं हम। कब सोता हूँ काम पे? जब मुझे हेल्प की जरूरत होती है तब सोते हैं। कब? अब क्या 4:30 बजे उठ के मैं काम करूँ? 4:30 बजे उठ जाती फिर भी टाइम पे नहीं तैयार हो पाती, अब बताओ। मैं तो 5-6 बजे भी उठूँ तो भी तैयार हो जाऊँ। तुम्हारा बेटा है ना इतना वो क्या उठा हुआ है तो वो लोग सो जा तो नहीं सोना है, और सोया हुआ है तो वो लोग उठ जा तो नहीं उठना है, अपनी लाइफ का राजा है वो। अभी इतनी स्कूल की पढ़ाई का प्रेशर नहीं है ना स्कूल में,
लेते नहीं है बस। तो उसके पढ़ने का स्टाइल क्या याद कर, मुश्किल से दो मिनट बाद ही आएगा, याद हो गया। जब सुनो तो अंडा गोल। हाँ जब सुनो तो अंडा गोल, कितनी बार सुना लिया उसे, 10 बार सुना देता हूँ कि अगली बार आया ना बिना याद किए तो पीट दूंगा पकड़ के ना। ये देखो ट्रैफिक पुलिस। तो फाइनली निधि को ड्रॉप कर दिया, टाइम पे पहुंच गया था, 2-3 मिनट पहले पहुंच गया था। और उसके बाद अब घर जा रहा हूँ, अभी रास्ते में कैमरा बंद था, आ रहा था तो एक दो पुलिस वाले थे, अब रियल पुलिस वाले थे, आजकल फेक पुलिस वाले बहुत घूम रहे हैं, तो रियल थे या फेक थे पता नहीं। बाइक था, एक पुलिस वाले ने हेलमेट लगा रखा था, एक नीचे खड़ा था और गाड़ियों को रोक रहा था, एक गाड़ी वाले को रोका, जैसे वो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी नहीं होती ओमनी, उसमें उसको रोका। मैं तो पीछे बगल से निकल गया, लेकिन मुझे पता नहीं उस दोनों को देख के ऐसा सा लगा इंट्यूशन, एक बाइक स्टार्ट कर रखा है जल्दबाजी में है, मतलब इधर उधर आगे पीछे कर रहा है, और एक खड़ा है, खड़ा उसको हाथ दे के रोक रहा है। तो मुझे ऐसा मन, बीच रोड पे एक मतलब ना कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ था भी नहीं, कभी आज तक मैंने वहाँ पे नहीं देखा पुलिस वालों को, तो ना बैरिकेड ना कुछ भी, तो मुझे तो ऐसे ही लगा वो फेक पुलिस वाले थे, पता नहीं भगवान जाने। आज तो सूरज भगवान भी एकदम खुश है, क्या नज़ारा है सुबह, मतलब 7:40 हुए हैं और 7:40 में सूरज भगवान इतने ऊपर आ चुके हैं, है नहीं कहीं से। फॉग का नज़ारा तो है दिल्ली में, लेकिन पॉल्यूशन है कि फॉग है पता नहीं, सामने नज़ारा आ ही रहा होगा। तो जल्दी से घर चलते हैं, आज तो पता नहीं सुबह सुबह ही जाम क्यों है, तब कितना जाम होता नहीं है सुबह में, ऐसे भी करके निकलना है, ये छोटा सा जाम है। तो घर पहुंच चुका हूँ, आज काफ़ी लेट हो गया, 8 बजने वाला है, तो आज काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन एक अच्छा काम करके गया था, जाते वक्त मैंने अपलोडिंग लगा दी थी वीडियो, तो ऑलमोस्ट अब होने ही वाले हैं अपलोड, तो अपना काम ये तो ख़त्म हो जाएगा, और फिर अब थंबनेल बनाना है, तो चाय बनाना है, चाय पीना है। दूध शायद निधि आज गर्म करके चली गई है, उठती है 4:30 बजे, अल्पिक उठता है 5:30 पे उठता है, और निधि उठती है 4:30 बजे, मैं उठता हूँ 7 बजे, सबसे लेट मैं ही उठता हूँ। तो चाय दूध भी आज गर्म कर दिया था उसने, कि दूध वाले अंकल जल्दी आ गए थे तो दूध भी गर्म कर दिया था, मुझे बस चाय अपना लेना है, चाय पीना है, और थंबनेल बनाना है, और थोड़ा वो जो सही करना है डिस्क्रिप्शन में वो सही करूँगा, फिर अपना ये काम तो खत्म हो जाएगा, बाकी फिर चलते हैं देखते हैं क्या करना है। तो फाइनली अद्विक को भी लेके आ गया, आज खाना पीना भी डन हो चुका है, आज राजमा चावल था, राजमा चावल खा के डन हो गया हम लोग, अद्विक का भी चल ही रहा है खाना, अद्विक का खाना चल ही रहा है अभी, हटा दिया, जाओ जाओ जाओ, वीडियो से भागता है, जब भी बनियान में रहेगा वीडियो में नहीं आएगा, भाग जाता है, ज़्यादा करेगा घुमाओ कैमरा। अदिया मेरे फोटो इंदिरा गांधी जी के साथ, आज निधि को लेके नहीं आ रहा हूँ, अगर देखता हूँ फोन आ गया तो ले आऊँगा, नहीं तो फिर मैं अपने काम से निकल जाऊँगा, मुझे कहीं जाना है तो काम से भी जाना है, जो अपना काम होता है नॉर्मली स्कूटी से ही जाऊँगा, स्कूटी पे तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, आके ही वीडियो बनाऊँगा, स्कूटी पे बड़ा टफ होता है वीडियो बनाना, हेलमेट ग्लव्स सारे चीज़ हाथ में होते हैं, और इतना धूल मिट्टी होता है ना बाहर, तो मेरे पूछो मत। तो पहले चलते हैं, निधि का फोन का वेट कर रहा हूँ, अभी जैसे आ जाएगी फोन करेगी, और कहीं से लाना होगा तो लेके आ जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाऊँगा, फिर शाम में मिलेंगे। फाइनली निधि को भी लेके आ गया हूँ, और आज इसका इतना दिमाग मतलब इतनी बिजी है, खाना भी नहीं खाया इसने स्कूल में, बस अब खाना खाने के लिए बैठी है, देखो फॉर्मल हर दिन फॉर्मल में दिखती है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ मार्केट के लिए अपने काम के लिए, फिर मिलते हैं शाम में छोटे से ब्रेक के बाद, चलो अभी चलते हैं मार्केट। घर गया था तो निधि यहाँ ट्यूशन पढ़ा रही थी, और मुझे कुछ थोड़ा सा काम था, तो मैं जल्दी से निकल के आ गया अपना गाड़ी छोड़ के, स्कूटी छोड़ के, दिल्ली रेलवे मतलब इंडियन रेलवे को यूज़ करने के लिए, तो लोकल ट्रेन पकड़ के अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाऊँगा, थोड़ा सा एक छोटा सा काम है करके वापस फिर ट्रेन से ही आऊँगा, जा सकता था और भी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन थे, लेकिन इससे जल्दी पहुँच जाऊँगा, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम बहुत बचता है इससे, और सस्ते के सस्ते हैं, 30 रुपये में पहुँच जाता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर अपना काम खत्म होके, जैसे काम खत्म होगा 15 मिनट में घर पे वापस, तो घर से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ये स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है जहाँ लोकल ट्रेन ही रुकती है, तो जैसे अपना सारा काम खत्म हो गया, लाइट भी चली गई, घर पे आया तो देखा लाइट भी नहीं आ रही है, और निधि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में बिजी थी, तो मैं सोचा मैं क्या करूँ, मैं अपना काम करके जल्दी से खत्म करके आता हूँ, तो मैं जल्दी से अपना आ गया स्टेशन पर, पूछा कोई ट्रेन है तो 6:45 का एक ट्रेन है, अभी जा रहा हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ बाहर निकल के सदर बाजार की तरफ कुछ काम है, तो काम करते हुए फिर वापस आऊँगा जल्दी से जल्दी। और तो ये अपना छोटा सा रेलवे स्टेशन है, अभी थोड़ी देर में अभी आ जाएगी ट्रेन, और लोकल ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच जाऊंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चलते हैं और भी वहाँ पे कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखा दूंगा, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। और अभी एक छोटा सा काम वो भी था कि निधि का घड़ी ठीक करवाना था, उसमें बस बैटरी लगवाना था और कुछ नहीं था, बस मैंने बैटरी लगवा दिया है और लेके आ गया हूँ, मैं भी घड़ी पहनता था कभी, मैंने जब से होश संभाला तब से बैटरी घड़ी पहनता था मैं, जब से मेरा टाइम खराब चलने लगा ना, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए,
जब से टाइम खराब हुआ मैंने घड़ी पहनना छोड़ दिया। आज भी मेरे पास घड़ी है, 2-3 घड़ी हैं, लेकिन कभी भी नहीं पहनता अब। तो बस ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन जैसे आएगा पकड़ के चल दूंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये सामने वंदे भारत खड़ी है, ट्रेन अभी आ जाएगी, सामने में दिख जाएगी वंदे भारत न्यू दिल्ली। वंदे भारत कितना गंदा सा हो गया। तो फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच गया हूँ। यहाँ से बाहर निकल के अपना एक छोटा सा काम है वो करने से, किसी से मिलना है, मिलके फिर वापस मुझे घर जाना है। तो 7:50 की एक ट्रेन है वापस बैक टू पेविलियन, देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। अगर कुछ दिखाने लायक मिलेगा तो दिखाऊंगा भी जरूर। तो अभी पहले चलते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो पता चला वो लास्ट ट्रेन है छूट गई, फिर मैं बस से जा रहा हूँ या फिर मेट्रो से जा रहा हूँ। मैं कोशिश है कि ट्रेन से ही चलूँ। चलते हैं अभी पहले, कैसे 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 रास्तों से चल रहा हूँ। देखो ये है नई दिल्ली का पीछे वाला रास्ता, ये सब आइडिया मुझे ही है, बहुतों को होगा लेकिन मुझे भी है। ये सारा जो है ना राजधानी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ राजधानी ट्रेनों का सब कुछ रख रखाव सारा चीज़ होता है इधर ही अंदर जाके। ये देखो सामने लिखा हुआ है ना राजधानी कॉम्प्लेक्स। अब चलते हैं अपने बाहर की तरफ। ये जो सामने वाला बिल्डिंग है ना, ये जीबी रोड है पूरा। ये सामने जो मेन रोड आ रहा है जीबी रोड है, जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ नहीं है, तो फाइनली अपना काम ख़त्म करके मैं आया फिर से वापस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ। और मेरी मैं जीबी रोड के सामने से ही आ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ बोल भी पाऊँ एक सेकंड के लिए भी। तो मैं चुपचाप सीधे अपना रिक्शा पकड़ा और सीधा चलाया। कभी ऐसा मन है मैं इंटरव्यू लूँ, वहाँ पर जाके इंटरव्यू लूँ, तो ये कभी ना कभी करूँगा, इतनी हिम्मत दिखाऊँगा मैं। तो अभी तो चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, 752 का ट्रेन है, बस 752 होने वाला ही है। अभी पहले चलते हैं।
ये सामने अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मेन एंट्री गेट है जो पूरा ही है। ये है अजमेरी गेट के साइड, और दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो पहाड़गंज आ जाता है। कितना प्यारा बना दिया, पहले ऐसे नहीं था, मतलब कुछ सालों से ऐसा हो गया, अब एक डेढ़ सालों से तो मैं ही ट्रैवल नहीं किया हूँ ठीक से। अब चलते हैं, पहले ट्रेन का टिकट लेते हैं, लोकल ट्रेन का टिकट लेंगे जो कि 30 रुपये का है, देखे अभी चलते हैं पहले। देखो भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका अभी तक मैंने जर्नी किया नहीं, करूँगा जल्दी। स्क्रीन लगा हुआ है, बाहर से दिखा रहा हूँ। मैंने जी अपना काम डन कर दिया, डन करने के बाद जल्दी जल्दी से वापस आया स्टेशन पे, तो पता चला ट्रेन लगी आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी से भाग के आ गया हूँ। जा तो सकते हैं, मेट्रो से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही है घर के पास, एकदम नीचे ना 500 मीटर्स में उतार देता है, तो सबसे कम्फर्टेबल यही है। अगर मेट्रो से जाता तो थोड़ा सा टाइम लगता, मेट्रो मुझे कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उतार था, और ये घर के पास ही उतार, घर के पीछे कह लो वॉकिंग डिस्टेंस है, हम तो इतना वॉक कर लेते हैं। फाइनली घर पहुंच गया हूं, और मेरा चप्पू कहाँ गया? मिल गया। तो फाइनली घर पहुंच गया हूं, निधि को एक सरप्राइज देता हूं, पता नहीं उसको, एक सरप्राइज देता हूं निधि को, एक सरप्राइज दो। ये क्या ले, क्या करूं इसका? देखो घड़ी तो मेरी है। हाँ तो ठीक करवा दिया, 10 रुपए का वो डलवा दिया, 80 रुपए का बैटरी लगा, 80 रुपए का। माय गॉड, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो 80 रुपए का, माय गॉड, मतलब ऐसे नहीं लाते तो समझ में भी आता। नई घड़ी, ये नई नहीं है, नई नहीं है, गजब बात करती है, नहीं है बेटा, नहीं, मम्मा ने पहना ही नहीं आज तक घड़ी, मतलब नई घड़ी चाहिए, वो घड़ी पहनी नहीं आज तक, और नई घड़ी चाहिए, क्या बोलूं। अरे भगवान जी का लाइट खराब हो गया, ये ठीक करना पड़ेगा, गिर गया है। चलो पहले से ठीक करते हैं। तो फाइनली अपने खाना पीना डन हो चुका है, और आज भी क्या डन हो गया भाई, अब नहीं खाना इससे ज्यादा, बहुत खा लिए। मैं ला रही हूँ, पागल नहीं हूँ, जो बनाती हूँ मैं। अब क्या ला रही हूँ, ऐसा कहीं होता है कि जितना मेरा पेट मेरा उतना ही खाऊंगा ना, उससे ज्यादा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है मुझे, अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।